हम दिखाने का प्रयास करते हैं वो सब कुछ जिन पर निर्भर करती है आम जिंदगियां, जिन मुद्दों को आपके सामने लाना लाजमी होता है, जिस खबर की हर किसी को होती है दरकार, हर वो मुद्दा अब खुलेआम सड़क पर उठेगा जिसका होगा आम जनता से सरोकार। कलम चलेगी निडर होकर, कैमरा चलेगा निर्भीक होकर, सच पूछेंगे कड़क कर, क्योंकि अब हर मुद्दे पर खुली बहस होगी, हर गली में और हर सड़क पर। बहस सड़क पर, सिर्फ डार्क टाइम्स न्यूज पर। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ, का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। गौसदन मधवलिया के विस्तार पर जिलाधिकारी महराजगंज श्री अमरनाथ उपाध्याय द्वारा की गई अहम बैठक, जिसमें वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा गौसदन विभाग के कर्मचारियों के साथ गौसदन की 500 एकड़ की भूमि के विवाद का निराकरण किया गया तथा गौसदन के चारों तरफ 3 किलोमीटर खाई का निर्माण मनरेगा के द्वारा मस्टर रोल पर कराई जाने, उसके बाउंड्री वाल पर करौंदे के पेड़ का प्लांटेशन किए जाने और एक पोखरी का निर्माण, गोवंशियों को पानी पीने के लिए तथा उनके विश्राम के लिए सेट का निर्माण और खाली पड़े भूमि पर खेती बाड़ी का कार्य किए जाने, गोवंशियों की सुरक्षा के लिए गौसदन में पशु चिकित्सालय का निर्माण किए जाने आदि पर निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने गौसदन के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण किया, जिसमें पता चला कि गौसदन में कुल गोवंशियों की संख्या 864 है, जिसमें दूध देने वाली 8 गाय और 331 गाय तथा 353 बैल और 45 गाय के बच्चे हैं। अंत में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गौसदन में कार्यरत कर्मचारियों को एक सेट ड्रेस और कंबल का वितरण किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मैं हर हफ्ते में एक बार उचक निरीक्षण करने आता रहूंगा, क्योंकि मैं इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहता हूं। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। स्थापित है, मेरे ख्याल से 1970 के आसपास स्थापित हो चुका था, लेकिन इसकी अवस्था बहुत ठीक नहीं थी। इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, इसके जो संसाधन है उसको ऑप्टिमम इस्तेमाल उनका किया जाए, इस वजह से ये बैठक हुई। अब इसमें ये मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके संसाधनों का मैक्सिमम या ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जाए, दूसरा लोगों को जोड़ा जाए, इससे जन भावनाओं को इसे जोड़ा जाए। उससे ये लाभ होगा कि गोवंशीय पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए लोगों में जागरूकता आएगी और इसके जो आर्थिक और सामाजिक फायदे हैं गोवंशीय पशुओं के संवर्धन और रक्षण का, उससे लोग परिचित हों। तीसरा, ये 500 एकड़ में बना हुआ क्षेत्र है, जब इसका खूब विकास होगा तो मैं मानता हूँ कि पर्यटकीय महत्व भी इसका बढ़ेगा। तो पर्यटकीय महत्व बढ़ने से इस इलाके के आसपास के जो गांव हैं उनके लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों प्रकार का रोजगार उपलब्ध होगा। तीसरा, गोवंशीय पशुओं के बढ़ने से दूध और दूध जनित कारोबारों को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, जब यहाँ पे गोबर से उर्वरक तैयार होगा और ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन की उर्वरा बढ़ेगी, तो जो औषधीय पौधे होते हैं, फलदार पौधे होते हैं या फूल होते हैं, उन सब की खेती होगी। मैं समझता हूँ कि ये सब कल्पना साकार हो जाएगी, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। ये सब इसका उद्देश्य है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी नागरिकों से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि इससे जुड़ें और हो सके तो इस गोसदन में गोवंशीय पशुओं के संरक्षण के लिए यथासंभव दान भी करें जी। बिल्कुल, उनके पैसे का सदुपयोग किया जाएगा जी। बिल्कुल श्रीमान जी, कि इस समय अगर देखा जाए तो जो गिद्ध है गोसदन में, पहले जो गिद्ध की जो गणना हुई थी, इस बार गिद्धों की गणना में अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आपके हिसाब से गोसदन पे क्या प्रभाव पड़ा है? ये तो इसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो बताएंगे। जब इस सब प्रकार से जब इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो ध्यान देने का मतलब है कि जो इससे संबंधित समस्याएं होंगी, जो यहाँ बुराइयाँ होंगी, वो सब घटते जाएंगी। अब हमने ये तय कर लिया है कि हम हर सप्ताह एक बार यहाँ आएंगे और इसकी व्यवस्था को ठीक करके ही दम लेंगे। ये भूमि सर, आपने कृषि कार्य के लिए अभी यहाँ बढ़ावा देने के लिए बात कहा, तो क्या ग्रामीण भी कर सकते हैं इसको?
कृषि विविधीकरण करेंगे। कृषि विविधीकरण जो स्थानीय ग्रामीण है क्या उसमें वो अपना सहयोग दे सकते हैं? अब उसके समस्त पहलुओं विचार किया जाएगा। 500 एकड़ है तो अकेले गो सदन खुद तो कर नहीं पाएगा, तो स्थानीय ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाएगा जो उसमें मानक पर खरे उतरेंगे, जैसे पट्टा हुंडा पर देने की बात होती है जी सर, उनको भी प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार मिलेगा जी, ये सब भी किया जाएगा सर जो है, पूरी पारदर्शिता के साथ जी सर। मतलब उद्देश्य है गो सदन का विकास, गोवंशीय पशुओं का संरक्षण संवर्धन और इस इलाके का विकास। सर जो यहाँ गौ सेवक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है, क्या उनके बारे में भी कुछ? जब इसकी आमदनी बढ़ेगी, जब इसकी व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से उन सबका भी फायदा होगा। जैसे रेलगाड़ी की स्पीड बढ़ जाए तो उसमें जो पैसेंजर जितने सवार हैं सबकी स्पीड बढ़ जाएगी सर। उसी तरह से जब इसकी व्यवस्था और इसकी स्थिति सब सुदृढ़ हो जाएगी तो जितने यहाँ के कर्मचारी हैं जो काम करने वाले लोग हैं सबकी स्थिति सुधर जाएगी सर। जानवरों की अपेक्षा यहाँ जो कर्मचारी या गौ सेवक हैं उनकी संख्या बहुत कम, वो भी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा सर। अभी यहाँ पे एक शिकायत मिलती है हमको, डॉक्टर पशु डॉक्टर जो है रात में नहीं रुकते हैं। जब मैंने कहा ना कि जब मैंने कह दिया कि हर सप्ताह मैं आऊँगा तो मैं आऊँगा, तो फिर बाकी सब लोगों की उसी हिसाब से मजबूरी हो जाएगी जी सर। जो शिकायतें दूर दूर से पहुँच रही हैं, मैं खुद ही हर सप्ताह यहाँ आया करूँगा, तो जो लोग हैं वो या तो काम करेंगे या फिर अपने घर जाएंगे। किसी को कार्रवाई होगी सर जी? कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप मेरे आज आने से अलर्ट हो गए होंगे। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।